आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू के बाहर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर की वर्दी पहने हुए कुछ छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में छात्र अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जब ये धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे तब यूनिवर्सिटी के वीसी भी वहां मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो में एनसीसी के वर्दी पहने कुछ छात्र तिरंगे के पास अल्लाह अकबर के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो कथित तौर पर गुरुवार को गणतंत्र दिवस समारोह का है। आपको बता दें अलीगढ़ एसपी के विश्वविद्यालय प्रशासन को नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक लड़का नारे लगा रहा था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। घटना के बाद अलीगढ़ के एसपी के नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बताएं कि प्रोटेक्टर वसीम अली ने दावा किया है कि एक लड़का नारे लगा रहा था जिसका वीडियो केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल अभी तक इस वीडियो को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि वो लड़का कौन था और उसने इस प्रकार के नारे क्यों लगाए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है कि 26 जनवरी यानी कि भारत के शक्ति प्रदर्शन वाले दिन यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन एक यूनिवर्सिटी के बाहर लड़का हाथ में तिरंगा लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, जो कि काफ़ी चिंताजनक और विरोधाभासी है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।